गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रिटी सा ब्लाउज। ये इंस्पायर्ड ब्लाउज है, इसे देख के मैंने ये वीडियो बनाया है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो पहला थैंक्स मैं कहना चाहूँगी रुखसार खान को और गंगा साहू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और गाइस आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। हाफ बॉडी में नेट का फैब्रिक बनाऊंगी अपर चेस्ट के ऊपर, और हाफ बॉडी के लिए मैंने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम रख लेंगे। उसके बाद ऊपर से हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरे शोल्डर है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। फिर जहाँ जितना आपका शोल्डर रहता है लगभग उतना ही आपका आर्महोल होता है। तो यहाँ मेरा आर्महोल है 6.5, तो मैं 6.5 इंच पे वहाँ से एक पॉइंट मार्क कर लूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हम अपना चेस्ट का मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट है आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा। मेरा आता है 8 इंच, तो 8 इंच पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है और 1 इंच का मैंने मार्जिन लिया है जो सिलाई में जाएगा। उसके बाद इस तरीके से गोलाई देते हुए हम बैक आर्महोल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक की डीपनेस बनाएंगे। तो मेरी नेक की डीपनेस मैंने यहाँ 2 इंच रखा है और विड्थ मैंने 3 इंच रखा है। उसके बाद हम दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए कर्व शेप दे देंगे वो, और उसके बाद हम आर्महोल्स पे हाफ इंच का पॉइंट मार्क करेंगे और इस तरीके से स्लांट वे में ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप है। अब हम फ्रंट आर्महोल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्महोल के लिए हमने हाफ इंच का पॉइंट अंदर की ओर मार्क किया है और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अंदर भी हम एक गोलाई दे देंगे। ये मेरा फ्रंट आर्महोल है और पहले जो हमने ड्रॉ किया था वो मेरा बैक आर्महोल था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्महोल कट करना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया, हमने अभी फ्रंट आर्महोल नहीं कट किया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए तो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। फ्रंट पार्ट को आपको लेना होगा और आपको अपना फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेना होगा। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लिया है। अब हम देखेंगे आपका फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है नेट फैब्रिक में। अब हम बॉटम के लिए दूसरा फैब्रिक लेंगे। इस तरीके से मैंने शिमरी फैब्रिक लिया है, आप थोड़ा हैवी फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो इसे हम 2 बार में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। जैसे कि 2 बार फोल्ड करने के बाद ऊपर की ओर हम अपना जो नेट का फैब्रिक में कट किया था उसे हम प्लेस करेंगे ऊपर की ओर। इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और आपको अपना हाइट मेजर कर लेना होगा, आपको कितना लंबा ब्लाउज क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं 14 इंच का ब्लाउज क्रिएट करूँगी, लेकिन मैं यहाँ 15 इंच पे मार्किंग करूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ मार्किंग। उसके बाद ऊपर हम एक निशान ले लेंगे जो हमने चेस्ट पर्स कर रखा था, इस तरीके से निशान लगा देंगे। और नीचे की ओर हम अपना कमर का मेजर लेंगे। आपका जितना भी कमर है आपको 4 से डिवाइड कर लेना होगा। मेरा आता है 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और अगेन मैंने एक पॉइंट मार्क किया है जो मुझे डार्ट लगाने के लिए लगेगा। तो ये नीचे की ओर दब जाएगा। ऊपर हमने इसका निशान नहीं लगाया था क्योंकि नीचे की ओर हम इसका दबेगा, इसलिए ऊपर से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। आप देख रहे इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन देते हुए। उसके बाद हम 1 इंच का और मार्जिन लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा, जो ऊपर की ओर हमने ऑलरेडी नेट के फैब्रिक में ले लिया था। तो 1 इंच और हमने मार्क किया था मार्जिन के लिए और उसे ऊपर स्ट्रेट लाइन से हम इसे जोड़ लेंगे। अब हम फोल्डेड साइड पे 2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और ओपन साइड पे भी 2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे। दोनों ही साइड हम इस तरीके से 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और
अब हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आपको हाफ इंच का मार्जिन रखना होगा, क्योंकि नेट और ये फैब्रिक हमें जोड़ना होगा, इसलिए हमने हाफ इंच का मार्जिन रखा है। कटिंग करते समय आप देख रहे हैं दो पार्ट हमें मिला है, हमें फ्रंट पार्ट इस तरीके से लेना होगा और इसे जोड़ लेना होगा। ऊपर के सारे हीरो एजेस को हेम करते हुए हमें जोड़ लेना होगा। मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट पर बता रही हूँ, सेम आपको बैक पार्ट पर भी करना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ जोड़ लिया है। अब हम यहाँ डार्ट लगाएंगे। डार्ट लगाने के लिए हमने फैब्रिक को हाफ में डिवाइड कर लिया है। एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद वहां से हमने 4 इंच पे पॉइंट मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। दोनों ही साइड हम हाफ हाफ इंच का पॉइंट मार्क करेंगे और इसे इस तरीके से स्लांट वे में हम जोड़ लेंगे। सेम मार्किंग हमें दूसरे साइड पे भी कर लेनी होगी। तो हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और दूसरे साइड हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए ट्रेस कर लेंगे। तो दूसरे साइड पे भी मेरा निशान आ जाएगा। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको फैब्रिक को पकड़ना होगा और आपको सिलाई दे देना होगा। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। सेम तरीके से आपको बैक पार्ट पे भी अपने बॉडीज को अटैच करना होगा और सेम तरीके से आपको डार्ट लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट पार्ट भी सी लिया है, बैक पार्ट भी मेरा रेडी है। अब हमें बैक पार्ट को लेना होगा और इसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा और सेंटर पे हमें कट कर देना होगा, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। हुक और बटन पट्टी के लिए हमें इसे सेंटर से कट करना होगा लगाने के लिए। तो यह हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो हमें दो पार्ट में मिलेगा रिसीवर का बैक पार्ट और हमें बटन पट्टी के लिए हमने फैब्रिक कट किया है, जिसकी लंबाई हमने अपने ब्लाउज से 1 इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि ऊपर के रॉय एजेस को हेम करना होगा और चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। हमें ब्लाउज को सीधा रखना होगा और पट्टी जो हमने कट किया था उसे उल्टा रखना होगा और सी लेना होगा। इस तरीके से हमें दोनों साइड पर सीना होगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर के रॉय एजेस को हमने डबल फोल्ड करते हुए मोड़ के सी लिया है और पट्टी भी हमने अटैच कर लिया है। अब हमें एक साइड ब्लाउज को पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सीना होगा, ताकि आगे की और एक भी पट्टी यहां दिखाई दे। इस तरीके से आपको सी लेना होगा और दूसरे साइड आपको एक बार मोड़ना होगा, दोबारा मोड़ना होगा और इस तरीके से मोड़ना होगा कि आगे की ओर आपको आधा इंच की पट्टी दिखाई दे, ताकि आप हुक या बटन इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सी लिया है पट्टी को, साइड पट्टी को अटैच कर लिया है और इस तरीके से आप हुक या बटन लगा सकते हैं। अब आपको बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और उसके ऊपर आपको फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए अपना शोल्डर्स अटैच कर लेना होगा। शोल्डर अटैच करने के बाद हमें स्लीव बनाना होगा। तो स्लीव बनाने के लिए हमने नेट का फैब्रिक इस्तेमाल किया है। सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया, उसके बाद ब्रेथ वाइज फोल्ड किया है। उसके बाद आपको अपना आर्म मोल का मेजर लेना होगा। आपका जितना भी आर्म मोल है आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे कि मेरा 6.5 इंच था, मैंने 8 इंच पे पॉइंट मार्क किया है। फिर लंबाई जो है स्लीव की मैंने 4 इंच रखा है और जहां हमने 8 इंच पॉइंट मार्क किया है वहां से हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और हल्का सा घुमाव शेप देते हुए हम अपना बैक आर्म होल बना लेंगे। और आर्म्स का जो भी मेजरमेंट है आपका, आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैंने 6 इंच पे पॉइंट मार्क किया है और इसे हम अपने आर्म होल से जोड़ लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम अपना बैक आर्म फ्रंट आर्म होल भी बना लेंगे और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल ही कट करना होगा, फ्रंट आर्म होल आपको नहीं कट करना होगा। तो यहाँ हमने ऑल ओवर कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपको इस तरीके से 2 स्लीव रिसीव होगी। दोनों को 1 अबव द अदर रखते हुए आपको फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। तो इस तरीके से मेरे दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव के बॉटम पे एक लेस या फिर इस तरीके का पट्टी लगा सकते हैं। फैब्रिक का जो हमने बॉडी पे इस्तेमाल किया, सेम फैब्रिक हमने कट किया है। लंबाई हमने स्लीव की बॉटम लिया है और चौड़ाई हमने यहाँ 4 इंच रखा है। उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और जो ओपन पार्ट है उसे स्लीव के बॉटम पे रखेंगे और ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है। इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज पे अटैच कर लेंगे। ब्लाउज को सीधा रखेंगे और स्लीव को उल्टा रखेंगे। बस ध्यान दीजिए फ्रंट आर्म होल फ्रंट आर्म होल में होना चाहिए और बैक आर्म होल का पार्ट बैक आर्म होल पे रहना चाहिए स्लीव का, और इसे ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों स्लीव की स्टिचिंग कर लिया है। स्लीव की स्टिचिंग करने के बाद हम इसे 1 अबव द अदर रखते हुए हम अपनी साइड की भी स्टिचिंग दे देंगे। साइड की स्टिचिंग देंगे और नीचे के बॉटम के रॉय एजेस को ऑल ओवर हम हेम कर लेंगे। तो यह हमने ऑल ओवर हेम कर लिया है, साइड की स्टिचिंग दे दी।
इस तरीके से मेरा ब्लाउज तैयार है। बैक साइड पे आप हुक या बटन लगा के वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन यहाँ मैं नेक पे कॉलर लगा रही हूँ और एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद आपको 1 इंच ऊपर इस तरीके से मार्क करना होगा नेट के फैब्रिक पे, और लंबाई हमने यहाँ 4 इंच रखा है, और हल्का सा घुमाव शेप देते हुए हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे और ये पार्ट कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे आगे बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न क्रिएट होगा। ये हिस्सा आपका ओपन रहेगा जो बहुत ही प्यारा लगेगा, ब्लाउज पे बहुत ही डिफरेंट लगेगा। इसके रॉ एजेस को आप चाहो तो डबल फोल्ड करते हुए हेम कर सकते हैं, या फिर लेटर ऑन ऑल ओवर पीको भी करा सकते हैं, उससे भी बहुत ही फिनिश लुक आएगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और कॉलर लगाएंगे। इसकी जो लंबाई है पूरी ऑल ओवर नेक की आपको मेजर कर लेना होगा, उसी लंबाई का आपको कपड़ा लेना होगा, और चौड़ाई हमने यहाँ 3 इंच रखा है। मेरे पास उतना लंबा कपड़ा नहीं था इसलिए मुझे सेंटर पे जोड़ लगाना पड़ा, और किनारी के रॉ एजेस को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ के सी लेना होगा और हाफ में फोल्ड कर लेना होगा, और जो ओपन पार्ट है उसे ऊपर प्लेस करना होगा। इस तरीके से आपको प्लेस करना होगा और ऑल ओवर आपको सिलाई दे देनी होगी। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से आपका कॉलर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कॉलर भी अटैच कर लिया है। ये मेरा ब्लाउज आज का तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, आगे की तरफ इस तरीके से ओपन लगेगा रहेगा, जो बहुत ही डिफरेंट लुक देगा आपके ब्लाउज को, बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसे बनाना कितना सिंपल था, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं अपनी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, बहुत ही प्यारा लगेगा। प्लस आप इसे ट्यूलिप पैंट पे भी पहन सकते हैं, धोती पे भी पहन सकते हैं एज अ क्रॉप टॉप, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।